हाय फूडीज़, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्पेगेटी एंड मीटबॉल्स की रेसिपी। पर पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाएं। अब हम मीटबॉल्स बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया है। ये चिकन का कीमा है, आप मटन कीमा भी ले सकते हैं। तो इसमें नमक जो है करीबन आधा को चम्मच डालेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा चिलीज भी हम थोड़ी सी डालेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना तीखा पसंद करते हैं, उतनी आप मिर्चें डाल सकते हैं। उसके साथ हमने ये एक अंडा डालना है इसमें, जो बाइंडिंग के काम करेगा, और साथ ही ये ब्रेड क्रम्स जो अगेन बाइंडिंग का काम करेंगे। अभी इसमें धनिया भी डाल देंगे हम, करीबन 2 से 3 चम्मच धनिया है। तो हाथ से सबसे बढ़िया मला जाता है, तो इसको हाथ से मिक्स कर देते हैं। अब हम मीटबॉल्स बनाने जा रहे हैं, तो इस तरह से चम्मच से पकड़ के, ताकि आपकी मीटबॉल सारी इवन हो जाए। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दीजिए, ताकि ये नीचे से गीला हो जाए पूरा, और गरम होते ही हम इसमें मीटबॉल्स डालने शुरू करते हैं। और इसमें अब आप हम ये शैलो फ्राई करेंगे मीटबॉल्स। शैलो फ्राइंग से एक तो इसका कड़क स्वाद आ जाता है, और ऊपर से ये अंदर तक थोड़े से कुक भी हो जाते हैं। तो मीटबॉल्स देखो रेडी हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे और नेक क्लॉथ डाल देंगे। सॉस जो हमारी बॉईल हो रही है, कुक हो रही है, इसमें हमने इन मीटबॉल्स को डाल देना, और फुल फ्लेम पे करके इसको उबाल आने देना। 4-5 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे, जब तक कि मीटबॉल्स अंदर तक अच्छे से रस ना जाए।